कारगुजारी नहीं चलेगी, कारगुजारी नहीं चलेगी, कारगुजारी नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगा, कारगुजारी नहीं चलेगी, कारगुजारी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी हमारी कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दुनिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में दुनिया होश में आओ। हमारी कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। का मसला जो है जायज़ है, क्योंकि मामला ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट लोगों को बसाती है, लेकिन गवर्नमेंट अजारती क्यों है? हम यहाँ पर बड़े बड़े माफिया नहीं है जिसके बाद दो कनाल है, चार कनाल है, पांच कनाल है, पांच मरले है, दस मरले है। ये बॉर्डर के इलाके के जो लोग हैं इनके लिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ये कानून बिल्कुल बिल्कुल लागू मत किया जाए। यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ पर ये अपना मेहनत मजदूरी करके ज़मीन में हल डाल के ये बड़ी बड़ी मालों के ऊपर, तो इनको आप नाजायज़ तंग कर रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूँ, मैं इस सरकार का आदमी हूँ, मैं प्रधानमंत्री से भी और अमित शाह से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने जो बॉर्डर के इलाके के अंदर ये कानून लागू किया है, ये स्टेट लाइन का, स्टेट लाइन क्या है, जो 100 साल से बैठा हुआ है वो क्या स्टेट लाइन आती है? गवर्नमेंट का अधिकार पहली भी सरकारें थी, यहाँ पर उन्हें 12 साल जो स्टेट लाइन पर था उसके इंतकाल हो जाता था, उसके लिए उसको खूब दिए जाते थे, 94 के तहत दिए जाते थे, LBX में दिए जाते थे, 432 के इंतकाल में दिए जाते थे। हम ये पूर्ण अमन तरीके से हमारा पूरा मेंडर की तरफ से जितना जो है ये प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि ये जो कानून डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी के अंदर, यहाँ हम बॉर्डर के लोग हैं, हम हमारे हिंदू मुसलमान भाईचारा एकता है, ये जितना भी तूफान जो है, ये जितना जो उठा था, ये मिलिटेंसी के तौर पर इन लोगों ने ही ख़त्म किया था, ये हमारे मुसलमान भाइयों ने ख़त्म किया था, लेकिन ये पाकिस्तान ये हमारा इलाका छीन कर ले गया था, इसलिए ये डट के मुकाबला करते हैं अपने बॉर्डर के ऊपर। और इनके लिए जो जहाँ पर मकान है वहाँ पर उसको उजाड़ना चाहते हैं, उसकी ज़मीन को उजाड़ना चाहते हैं। इस पर ये सरकार से हम कहते हैं कि बिल्कुल इस पर पाबंदी लगा जाएगी, और हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा जहां पर पूरी मेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसके अंदर हम यहां पर धरने में बैठेंगे और यहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार गलत करेगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे मैं भी उस सरकार का आदमी हूं, लेकिन इसमें ये गलत काम मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। आरआई की तरफ से जो है वो पूरी एसोसिएशन की तरफ से हमने एक पैगाम दिया है पूरी स्टेट में सब पंच और पीआरआई को, और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मेरे दोस्त प्रधान देवेंद्र टंडन जी ने जो बात आपके द्वारा कही है मैं उसी पे इत्तेफाक करता हूँ, और ये आज सिर्फ छोटा सा एक यादाश्ती मेमोरेंडम जो है वो सरकार को पेश किया गया है यहाँ पे एसडीएम के ऑफिस में। अब इस पे जो है अमल करना सरकार का काम है, अगर सरकार इस पे अमल करेगी तो हमें सड़कों पे निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर अमल नहीं करेगी तो हमें भी सड़कों पे उतारेगी, खुद भी उतरेगी, ये नाच अगर वो देखना चाहेगी तो ये भी वो कर लें, लेकिन हम अमन चाहते हैं और हमारे अमन के साथ जो है पुंछ राजौरी में खिलवाड़ ना किया जाए, यही सबसे बेहतर होगा सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। अगर ऐसा किया गया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि भाई आप ईंट से ईंट बच जाएगी,
सबर का प्याला जो है लबरेज हो चुका है, हम बिल्कुल दरपदर हो चुके हैं, हमारे बच्चों को रोजगार भी नहीं है, हमें नेमजी निरका का रोजगार भी नहीं है, किसी किस्म का रोजगार कोई नहीं है। आप जमीन के मुतलक हमारी जान जा सकती है, इस मुल्क की खातर एक इंच इंच की खातर जो है हम जान दे सकते हैं, लेकिन कोई फैसला कानून काला कानून मंजूर करने के हम बिल्कुल जो है वो लिए तैयार नहीं है।